वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रहा हूँ जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं आजकल के मौसम के हिसाब से। उन दोस्तों के लिए पैगामे शफा, जिन दोस्तों को गर्मी की वजह से नकसीर फूटती है और गर्मी की वजह से काम करते हुए सर चकराता है, गर्मी की वजह से उनका निज़ाम जो है धर्म भरम हो जाता है, वो काम नहीं कर सकते, आँखों पे बोझ पड़ता है, जब बैठे हुए उठते हैं तो चक्कर आते हैं, पाँव के बल बैठ नहीं सकते, उनके लिए नायाब नुस्खा है ये हैं जो आपके सामने। इसको कहते हैं कौड़े, ये देखें बड़े बड़े कौड़े हैं, ठीक है ना। ये आपने पंसारी से लेने हैं, पापड़ मंडी से ले लें या कहीं भी मार्केट से आपको मिल जाएंगे। ये समंदर से भी निकलते हैं लेकिन लेने बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं लेने। जिसको कौड़ियाँ कहते हैं, जर्द कौड़ियाँ जो होती हैं वो नहीं लेनी। इनका तरीक़ेकार ये होगा, इनको आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, 1 किलो जिसमें वज़न डाला जा सके, उसमें आपने ये कोड़े जो हैं 5 अदद, ठीक है ना, 5 अदद लेने हैं। लेकर आपने आपने घोर कपान जो बूटी होती है वो आपने कम से कम 2 किलो वो लेनी है ताज़ा, क्योंकि आजकल के मौसम में वो मिल जाती है घोर कपान, वो जेन में रख लें, दरियाई इलाके में वो मिल जाती है। घोर कपान बूटी का आपने नुकता बनाकर नीचे और ऊपर रखनी है, उसके बाद कपड़वट्टी करके इसको आग दे देनी है। आग कितनी देनी है, 15 किलो आग देनी है गोबर की, या तंदूर में रख देना है तो वहाँ भी ये नुस्खा तैयार हो सकता है। उसके बाद आपने इसको कोड़ों को निकाल लेना है, इसको आपने अर्क गुलाब में आपने इसको खरल करना है, जो 10 तोले कम से कम हो, जब खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको शीशे की डब्बी में रख कर संभाल कर रख लेना है। फिर आपने इसके 00 कैप्सूल भरकर सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ या जूस के, मैंगो जूस के साथ, लस्सी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपने इसको ताकत के लिए इस्तेमाल करना हो तो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, अगर आपने गर्मी के लिए, सर चकराने के लिए, नकसीर के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर लस्सी या दही की दरेड़के के साथ आपने इस्तेमाल करना है। लो जी, हमने आपको मुकम्मल नुस्खा बता दिया है, अब आप बनाएं। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। आपका दोस्त हकीम कारी मुस्वास सुंदरवी, तैयबा दवाखाना दाता, मॉडल टाउन, लाहौर।